comparing quantity, exercise number 8.3. okay, example number 1, 8.3 example number 1, tell what is the profit or loss in the following transaction, also find the profit percent and loss percent in each case. okay, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो फाइंड करना है, और किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और किसमें कितना लॉस हो रहा है. तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ मैं आपको करवा देता हूँ, सेकंड थर्ड आप अपने हिसाब से देख लेना. तो फर्स्ट में देखो क्या दिया है कि कोई गार्डनिंग शेयर है वो खरीदता है कितने में, बॉट फॉर 250 में और बेचता है 325. तो मैंने बताया कि प्रॉफिट लॉस आपको अगर पता नहीं है तो पहले क्या करो, SP मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करो. तो सेलिंग प्राइस कितनी है 325, तो 325 उसमें से कॉस्ट प्राइस कितनी है 250, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी आई 75, ये प्लस में आई ना, तो प्लस में आया तो ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा प्रॉफिट. अभी प्रॉफिट के परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो प्रॉफिट के परसेंटेज हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 75 कितनी कॉस्ट प्राइस पे आया, 250 पे आया, तो ऐसा लिख सकते कि अगर 250 कॉस्ट प्राइस थी ना तो हमारा प्रॉफिट 75 रुपीज हुआ. कितना हुआ 75 रुपीज. अगर 100 कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब भी परसेंटेज फाइंड करना है ना तब 100 से ही चलना है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो 100 × 75 / 250 कैंसल 25 3 जा, तो ये आएगा आपका आंसर 30%. तो प्रॉफिट अगर रुपीस में पूछे तो 75, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में पूछे तो 30%. देखो ये प्रॉफिट का देख लिया, अभी एक एग्जांपल आपको लॉस वाला करवा देता हूँ. तो लॉस में एक लास्ट है, अ स्कर्ट बॉट फॉर 250, तो ये बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 250. फिर सेल कितने में करता है 150, सेल कितने में करता है 150, तो 150 सेल प्राइस, तो एसपी माइनस सीपी करो, तो एसपी माइनस सीपी मीन्स 150 - 250, तो आंसर आया -100. तो ये माइनस का मतलब ही क्या होता है कि ये क्या है आपका लॉस है, ये क्या है लॉस, तो 100 रुपीज लॉस आया, 100 रुपीज लॉस. तो हम ऐसा लिख सकते कि 250 अगर होगा कॉस्ट प्राइस तब हमारा लॉस 100 है, तो 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस होगा. ओके, तो क्या आएगा 100 × 100, तो क्या आएगा आंसर में कि 100 और 100 का मल्टीप्लीकेशन और नीचे आएगा 250, नीचे क्या आएगा 250. इसका सिंपलीफाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका लॉस परसेंटेज आएगा, क्या आएगा लॉस परसेंटेज. तो ऐसे देखो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में देखो, तो सेकंड नंबर में क्या है, रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीद रहा है और उसको बेच रहा है कितने 13500 में बेच रहा है. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस से क्या है सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसमें प्रॉफिट होगा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसमें भी प्रॉफिट होगा. तो ये पहले तीन वाले में आपको प्रॉफिट हो रहा है और लास्ट वाले में आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है. अब सेकंड नंबर, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू द परसेंटेज, तो रेशियो में से परसेंटेज में कन्वर्ट करो. देखो ईच पार्ट, तो मैं आपको लास्ट वाला करवा देता हूँ, बाकी के तीन आप अपने हिसाब से देख लेना. तो डी नंबर, डी 1:2:5, तो अभी देखो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना तब आपको फाइंड करना है पहले टोटल पार्ट्स, क्या फाइंड करना है टोटल पार्ट्स. तो टोटल पार्ट्स कितने यहाँ पे 1, 2, 5, तो 1 + 2 + 5, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 8, टोटल पार्ट कितने हो गए 8, तो 8 में से इसका पार्ट कितना है 1, 8 में से इसका पार्ट कितना है तो 1, तो 1 जितना पार्ट है वो अपॉन टोटल, तो 1/8 × 100. फिर दूसरे का 2/8 × 100, तीसरे का 5/8 × 100, और ये जो भी आपका आंसर आता है ना उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है. तो ये हो गया 1/4, तो ये आ जाएगा 25%, क्या आ जाएगा 25%. फिर ये इससे काटे हुए आप तो आंसर आएगा 12.33%. ओके, और इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप काटोगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इनकी प्रोसेस करोगे तो 16.62.5 आ जाएगा और इसका 12.5 आएगा. तो इससे आपका टोटल आप सम करोगे ना तो 100% आएगा आंसर, क्या आएगा 100%. अब नंबर 3, इसमें क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज, तो इंक्रीज डिक्रीज का हमारा फॉर्मूला लगा दो. तो इंक्रीज डिक्रीज में फॉर्मूला क्या था हमारा कि जो चेंज हो रहा है ना उसको ऊपर लिखो, क्या जो चेंज हो रहा है वो उसको ऊपर लिखो, और जो ओरिजिनल बेज अमाउंट है उसको नीचे लिखो, क्या चेंज हो रहा है वो ऊपर लिखो, ओरिजिनल बेज अमाउंट है वो नीचे लिखो, और 100 का मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज लगा दो. तो चेंज कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, तो 25,000 से 2, 4,
500, तो चेंज कितना आएगा इनमें 500 का, चेंज कितना आएगा 500, तो चेंज ऊपर लिखो तो 500, और कहाँ से डिक्रीज हो रहा है तो 25,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी ओरिजिनल बेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000, ओरिजिनल बेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000, तो इसको नीचे लिखो तो 25,000 हमने यहाँ पे लिखा, 25 मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज लगा दो, तो यहाँ पे 1010, यहाँ पे भी 1010, फिर ये क्या है 250 और ये क्या है 500, तो कितना बचेगा यहाँ पे अगेन 1010 कैंसल, 25 को 50 से काटेंगे तो डायरेक्ट 2 से, तो ये कितना परसेंटेज आ गया 2%, तो इसका आंसर क्या आएगा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज, तो 25,000 से अगर 24,500 अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें परसेंटेज में जो आपको चेंज आ रहा है वो 2% होगा। ओके okay.